लेकिन एक फिल्म की चर्चा काफी जोरों शोरों से है, रत्नाकर भैया की जो कंपनी है वर्ल्ड वाइड, संघर्ष 2 सीक्वल का इंतजार, हम और आप, दुबई में शूटिंग, क्या अपडेट है? तीन कंट्रीज में शूट हुई, थाईलैंड, इंडिया एंड दुबई, और उसका टीजर बहुत जल्दी देखने के लिए, मैंने देखा है टीजर, और मैं बता रहा हूँ शूट चल रहा था हमारा, होली शूट चल रहा था अभी, और भैया ने टीजर दिखाया, और आई स्वेयर मैंने खुद वो टीजर 5 बार देखा है, और भैया उधर डांस कर रहे थे, आके बोले मन भर गया, हम लोग एक बार और, वो इतना खतरनाक टीजर है और इतना जबरदस्त लुक है, वो जिस दिन आउट होगा निजू आप ये बाइट रखना मेरी, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उस टीजर को एक बार कोई नहीं देखेगा, उसको जो भी देखेगा 2-3-4 बार देखेगा, क्योंकि उसमें जो शॉट्स आ रहे हैं, जो सीन आ रहे हैं, जो इनका लुक आ रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। 3 डिफरेंट लुक्स आप लोग को तो टीजर में देखने को मिल जाएगा, अमेजिंग है। मतलब पराग पाटिल भैया को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा, रत्नाकर भैया को दिल से थैंक यू बोलूंगा कि ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने लाया, एंड भैया सुपर एक्साइटेड, शायद मेरे ख्याल से पहली पिक्चर जिसको उन्होंने 40 दिन तक ले ली है, ये फर्स्ट मूवी है जिसको 40 डेज शूट किया हम लोगों ने, और कंटिन्यूस शूट किया, कोई ब्रेक नहीं था, ऐसा नहीं कि 40 दिन में 20 दिन लोग घर बैठे थे, 40 के 40 दिन पिक्चर शूट हुई है, कंटिन्यूस शूट हुई है, सिर्फ लोकेशन चेंज में जो टाइम लगा है, उसका एक शॉट अभी बचा हुआ है हेलीकॉप्टर का, वो आज शूट होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, कब तक आएगा, कुछ बताएंगे अभी ऑफिशियली कुछ नहीं पता चल रहा है। ये देखिए, ये अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इसका बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान है, आप लोग उसमें इंक्लूडेड है, आप सब लोग बताया जाएगा, और देखिए जब हम हॉर्सेस माउथ से सुनते हैं, जब भैया खुद आके बताए ना, तो उसका एक्साइटमेंट थोड़ा और बढ़ जाता है, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट बरकरार रहे। लेकिन हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताता हूँ कि टीजर देख के दिल खुश हो जाएगा, टीजर देख के दिल खुश हो जाएगा, लेकिन भैया जाते जाते अपने फैंस से क्या है? जितने भी लोग हैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, अगर हम लोग होली तक नहीं मिल पाए इनके चैनल पे, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में, और निजू आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप मूवीज और गानों के इतना प्रमोट करते हैं भैया को, और आप सबको दिल से थैंक यू उनके इतना प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक चीज और है, नेशनल मीडिया की सवाल करूंगा, सारे भी जितने भी नेशनल मीडिया आते हैं, खास करके खेसारी लाल यादव जो ट्रेंडिंग मशीन है, उनको एक सवाल कॉमन पूछा जाता है, अश्लीलता के ऊपर क्या कहना है? आप ये सवाल अब हम पूछते हैं, आपको अश्लीलता के ऊपर क्या कहना है? अश्लीलता के ऊपर हंसना है, बेसिकली नेशनल मीडिया का अभी थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल से चेंज नहीं हुआ है हम लोगों को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके, प्रॉब्लम ये है कि ना वो हमारे नए गाने सुने, ना उन्होंने हमारी नई पिक्चरें देखी, पास है वो अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं, यूथ आया नहीं है वहां पर, आया भी है तो उसने ये चीज देखी नहीं, शायद हम वो पहुंचा भी नहीं पा रहे, हम अपनी भी कभी बोले कि हम उनको शायद पहुंचा नहीं पा रहे, तो हम ट्राई करेंगे पहुंचाने का, और अश्लील अश्लील बोल के ना वो एक्चुअली हम लोग की इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस साल हम ही लोग हैं नहीं, बहुत सारे जितने भी एक्टर सुपरस्टार्स हैं, सबने अच्छे गाने किए, सबने बड़े गाने किए, कोई बाहर जाके शूट कर रहा है, पिक्चरें लंदन में शूट होनी स्टार्ट हो रही, बाहर शूट हो रही, दुबई में शूट हो रही, तो ये सब चीज अच्छी इंडस्ट्री का ही साइन है, उसको अश्लील बोलना मतलब मुझे नहीं समझना था क्यों अश्लील है। 2022 में जो अच्छे देखिए, कुछ लोग हैं जो गा देते हैं, तो उन कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री को मत पकड़ खराब कीजिए, आप उन 2-3 लोग को पकड़िए जो ऐसा खराब काम किए हैं। स्टार्टिंग में जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, उन लोगों ने स्टार्टिंग में गाया होगा, भैया ने तो बहुत ऑन कैमरा उन्होंने बोला कि हाँ पहले मैंने ऐसी कुछ गाने गाए हैं, हो गए। देखिए बचपना होता है, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हमको जिम्मेदारी आती है, फिर हम बूढ़े होते हैं, यही एक प्रोसेस है। बिल्कुल, तो बचपने में जो चीज हो गई उसको आप हमारी बढ़ोतरी तक तो काम नहीं पकड़ोगे। अगर मैं 9th में फेल हो गया, उसके बाद मैंने MBA कर ली, तो 9th फेल की जिंदगी पर तो आप नहीं मारेंगे, भाई मैं MBA हो गया उसको तो अचीव भी था। बिल्कुल, सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप उसी को पकड़े जा रहे हैं, पुरानी चीजों को बोले जा रहे हैं, बोले विच इज नॉट गुड। तो आप जो भी नेशनल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, मैं उनसे बोलूंगा कि प्लीज हमारे नए कंटेंट को देखिए, उसको सुनिए, और फिर कुछ हमसे क्वेश्चन पूछिए हमारे साथ से, तो अच्छा लगेगा। बुलबिट्स का गाना आते के साथ ट्रेंड में काफी दिनों के बाद, लेकिन विवाद ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का विवाद था, लगता है खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट का विवाद नहीं था, एक मतलब एक अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाली बात थी, वो इन प्रोसेस है, वो भी कुछ ऐसा खत्म नहीं हुआ, बट हां हम लोग को थोड़ी रिलीफ मिली है बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, तो भैया हम लोग अभी थोड़े से अच्छे हैं रिलीफ में। तो मतलब धमाल देखने को मिलेगा, जैसे पहले गाने का वेट करते थे 5 दिन 10-10 दिन पे, जैसे कुछ चुनिंदा कंपनियों से आते थे,
अब बैक टू बैक हर कंपनी से देखने को मिलेगा जो टॉप लेवल के कंपनियां हैं। हाँ, जो अच्छी कंपनियां हैं, जो भी करना चाहता है भैया गाना, एब्सोल्युटली वो गाना कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है उसके लिए भी फिलहाल। और हाँ, अब आप लोग कंटेंट अच्छे अच्छे और देखने को